ये सब क्या है? ये नशे वाले थोड़ी देर के लिए सोसाइटी से बाहर क्या गया? ये सोसाइटी गिली किसने? चाचा जी आप सोसाइटी में खड़े रह के क्यों ना रहे? आहो, क्या कुछ भी बोल रहे हो? क्यों वो चिल्ला रहे? कैसे आऊ वहाँ पे? कंपाउंड में खड़े रहके नहा रहे? चाचा जी ये क्या है? आप ये दरवाजे में क्यों खड़े? उतर जाइए, उतरिए। देखा देखा फिर से चिल्लाए। देखा आप पहले शांति से सुन लीजिए, चाचा जी दरवाजे पे खड़े रहके नहा नहीं रहे हैं, वो बेचारे दरवाजे पे चिपक गए हैं। हाँ क्या गए? चिपक गए हैं, चिपक, उनके पैर चिपक गए हैं, बघा जरा। अरे चिपक गए, चिपक दादाजी, दादाजी हमने सब जगह ढूंढे लेकिन वो कारपेंटर अंकल कहीं नहीं मिले। वो बाबू चिपकी कहाँ है? पता नहीं, मेरे पास उसका नंबर है, मैं फोन करूँ? नहीं नहीं, उसे क्यों डिस्टर्ब कर रहा है? वो अपने टाइम पे आएगा, तब तक मैं खड़ा हूँ इधर, मजा आ रहा है। ओके चाचा जी कटाक्ष में बोल रहे हैं, फोन कर। ओ अच्छा अच्छा, ए अच्छा अच्छा भाई, तुझे अभी याद आया, पहले फोन नहीं कर सकता था। ओ हड़बड़ाहट में भूल गया था मैं अभी फोन करता हूँ। जल्दी से फोन करना पटकन। जल्दी चाचा जी, मैं आपके लिए टॉवल लेके आती हूँ। लौकर लौकर। दादा जी आप ठीक तो हो ना? आप भीगे कैसे? लेकिन देखिए मैं आत्मारम तुकाराम भिड़े गोकुलम सोसाइटी का एक नए सेक्रेटरी हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि बाबू चिपके यहाँ पे जो दरवाजा रख के गए उस पे चाचा जी कैसे चिपके? रे यार अभी जो भी आएगा उसको सेम कहानी रिपीट करनी पड़ेगी। नहीं नहीं गोली, मैं शॉर्ट में बताता हूँ। वो क्या हुआ ना भीड़ अंकल, गम लगा हुआ था, क्रिकेट खेल रहे थे, कैच पकड़ने गए, पैर चिपक गए। मंजे मंजे जब हम लोग क्रिकेट खेलने नीचे आए तो ये डोर यहाँ पे ऐसे ही पड़ा था और हमको पता नहीं था कि इस पे गम लगा हुआ है। हाँ। और वो बाबू चिपके अंकल भी यहाँ पे नहीं थे तो हम लोग तो क्रिकेट खेलने लगे और फिर टप्पू ने शॉट मारा और फिर दादाजी वहाँ पे कैच पकड़ने गए और वहाँ पे वो मतलब सारा कसूर टप्पू सेला तुम लोगों का है। किसने बोला था क्रिकेट खेलने के लिए? कितनी बार मना कर चुका हूँ कपड़े में क्रिकेट मत खेलो लेकिन सुनते नहीं हो मेरी। ए भिंडी मास्टर, मेरे पैर क्रिकेट खेलने से नहीं चिपके। माफ करना चाचा जी लेकिन आपके पैर क्रिकेट खेलने की वजह से ही चिपक गए। नहीं नहीं भिड़ अंकल, इसमें दादाजी की हमारी कोई गलती नहीं है। अगर हम सोसाइटी में क्रिकेट नहीं खेलेंगे तो और कहाँ खेलेंगे? हाँ भाई भिड़े, इसमें गलती तेरी है। भाई अगर ऐसा कोई काम चल रहा था सोसाइटी में तो सेक्रेटरी होने के नाते तुझे नोटिस बोर्ड पर नोटिस लिखनी चाहिए कि भाई दरवाजे पे गम लगा हुआ है, इससे दूर रहिए। हाँ सही बात है पोपट अंकल की, तो सिर्फ एक में वो सेक्रेटरी हूँ बोल के काम खत्म नहीं हो जाता। सेक्रेटरी को सेक्रेटरी की जिम्मेदारी निभानी चाहिए, मैं नोटिस बोर्ड पे लिखना चाहिए था। अरे ये होशियार, इतना बड़ा गम लगा हुआ दरवाजा किसी ने नोटिस नहीं किया तो मेरी नोटिस क्या खाक नोटिस करता कोई? और रही बात जिम्मेदारी की पोपटलाल, अगर मैं अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाता ना तो ये दरवाजे का काम शुरू ही नहीं होता, बाबू चिपके यहाँ पे आता ही नहीं। बाबू चिपके? तो फिर लॉजिकली अगर बाबू चिपके अंकल यहाँ आते नहीं तो दादाजी के पैर चिपकते नहीं ना। हाँ करेक्ट। कमाल है, ये घूम फिर के बात मेरे पे ही आ रही है। गलती तुम लोगों की है, तुम लोगों को यहाँ पे क्रिकेट खेलना ही नहीं चाहिए था। अरे भिड़े अंकल, आप हमारे क्रिकेट खेलने के पीछे क्यों पड़े? हाँ भिड़े अंकल, दिस इज नॉट फेयर, हमारी छोटी सी गलती होती है आप हमें कितना डांटते हो, और आपने देखो कितनी बड़ी गलती कर दी है, ये गलती तो आप ही की है। मेरी गलती? अरे कमाल है, इतना बड़ा दरवाजा यहाँ पे पड़ा हुआ है, गम का डिब्बा यहाँ पे दिख रहा है, फिर भी आप लोग क्रिकेट खेल रहे हो, ये मेरी गलती है? हाँ। चाचा जी आप भी इस उम्र में बच्चों को मना करने के बजाय उसके साथ क्रिकेट खेल रहे हैं। उमर, उमर, ये उमर वाली, मैं अभी भी तुझसे जवान हूँ समझा? भूल गया? तुझे तीन बॉल में कैसे आउट कर दिया था?
लेकिन फिर भी खेलने की क्या जरूरत थी चाचा जी? चुप रह, तू क्या चाहता है? मैं पूरा दिन घर में बैठा रहूं ऐसा?